दोस्तों आपका अपना अरिजीत फौजी। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो। आप इस बार पक्का भर्ती में एक्सेलेंट मारे और आपका चयन हो, आपको भी आर्मी की वर्दी मिले, इसलिए आपका फौजी भाई दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों जो भाई टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती देखने जा रहे हैं उनको अग्रिम बधाइयाँ। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कहाँ आपको भर्ती देखने जाना है जहाँ सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको और क्या क्या चीज़ें ले जानी है ताकि वहाँ पर आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, कौन से जोन वाले कहाँ कहाँ भर्ती देखने जाएँ ताकि वहाँ सबसे ज़्यादा संभावना हो सिलेक्शन होने की, रनिंग में कितना टाइम दिया जाएगा, रनिंग कैसे होती है, ये मतलब इस सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, डी आर्मी में जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड और जोन फोर्थ। जोन फोर्थ से मैं स्टार्ट करता हूं तो राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दमन, दीव और गुजरात, इनकी भर्ती हैं जो 4 नवंबर से स्टार्ट हो गई है। इनकी भर्ती होगी नासिक देवलाली में, बेलगांव कर्नाटका में, और इनकी भर्ती होगी कोयम्बटूर तमिलनाडु में। जिन भाइयों की हाइट ज़्यादा है ना वो भर्ती देखने जाए कोयम्बटूर तमिलनाडु, वहाँ सबसे ज़्यादा चांस है। और जिन भाइयों की हाइट कम है, चाहे मेरे मराठी भाई हो, चाहे राजस्थान से मेरे भाई हो, चाहे गुजरात से मेरे भाई हो, जिनकी हाइट कम है वो जाएं बेलगांव कर्नाटका, वहाँ सबसे ज़्यादा चांस है सिलेक्शन होने की। दोस्तों ऐसे ही जोन थर्ड में अगर मैं बात करूँ, आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, इनकी असम में भर्ती है। दोस्तों आपको भी अपने जोन में जहाँ जाना है जहाँ आपके सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो। तो मेरे जोन थर्ड वाले भाइयों के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि यार इस बार आपका सिलेक्शन हो। जोन टू में जो आ रहे हैं मेरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन भाइयों को मैं बताता हूँ दोस्तों, आपकी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भर्ती है और दानापुर बिहार में भर्ती है। दोस्तों रनिंग के लिए दानापुर बिहार बेस्ट रहेगा। और ये क्वेश्चन आ रहा है सर दानापुर बिहार क्यों जाएं, हम तो यूपी वाले हैं और बिहार वाले बोल रहे हैं सर हम पिथौरागढ़ उत्तराखंड क्यों जाएं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी है, दौड़ने में दिक्कत होगी, बट दानापुर में ऐसा नहीं होगा, भीड़ दोनों जगह होगी। उत्तराखंड में भी दबा के भीड़ होगी और दानापुर में ही होगी, लेकिन भीड़ दानापुर में कम होगी क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उत्तराखंड और यूपी वाले बंदे पिथौरागढ़ ज़्यादा जाएंगे और दानापुर में भीड़ कम होगी। तो दोस्तों उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, 10th 12th की मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 20 पासपोर्ट साइज फोटो, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके गांव के मुखिया या सरपंच के द्वारा बनता है, और उसके साथ ही आपको लेके जाना है अनमेरिड सर्टिफिकेट। अगर आपकी उम्र अभी 21 साल से कम है तो ये अनमेरिड सर्टिफिकेट लगेगा। अभी कई लड़कों को डाउट था सर इसमें एफिडेविट भी मांगा है, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगा है, जन्म प्रमाण पत्र भी मांगा है। तो दोस्तों जिन भाइयों का नहीं बन पाया है तो वो भर्ती मिस ना करें, भर्ती जरूर देखें, क्योंकि इन एक दो डॉक्यूमेंट की वजह हो सके आपको मौका दे दें नहीं निकालें। तो जिन भाइयों के पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो वही ज़्यादा टेंशन ना ले, ज़्यादा दिक्कत में नहीं रहे, आप भर्ती देखने जरूर जाएं दोस्तों, क्योंकि यार कई टाइम बाद भर्ती आई है, आप अपना मौका को मिस ना करें। तो जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बना है, फिर भी वो भर्ती देखने जरूर जाएं कि आपको टाइम मिल जाए। दोस्तों जैसे ही आपकी रनिंग होगी, रनिंग में ध्यान रखना है, रनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलेंट मारने की कोशिश करनी है। जब भी आपको ग्रुप में बिठाया जाए तो दाएं साइड बैठना है, दाएं साइड बैठने के बाद में दोस्तों ध्यान रखना है आपको कोई गिरा ना दे, ठीक है। इन धोती चीनों का ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको कोई गिरा ना दे, और स्टार्ट से ही आपको जब गो बोला जाता है तब दाईं साइड से आपको निकलना है, लंबे स्टेप के साथ अच्छी रनिंग करनी है, और दाईं साइड से रनिंग करते करते आपको एक राउंड नॉर्मल, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड फुल स्पीड के साथ काटना है, एक्सीलेंट मारना है दोस्तों। उसके बाद बीम पूरे 10 मारने हैं ताकि आपको 40 नंबर मिले। उसके बाद में दोस्तों आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में ध्यान रखना है अपने शरीर के अच्छे से साफ सफाई करके जाना है, पहले ENT का होगा फिर सर्जिकल का होगा, दोनों मेडिकल आपके जिस दिन आपकी दौड़ होगी उस दिन आपके दोस्तों डॉक्यूमेंट होंगे, आपका चेस्ट होगा, आपकी हाइट होंगे, और शाम को आपको आउट कर देंगे। अगले दिन मेडिकल होगा, और मेडिकल में मैंने बोल दिया आपको ENT आँख का, नाक का और आपके मुँह का, तो इसमें दोस्तों आपका दो टाइप का मेडिकल होगा। मेडिकल में जिन भाइयों को पॉइंट मिलता है घबराए नहीं, उनको दोबारा मौका मिलता है दोस्तों रीमेडिकल के लिए। रीमेडिकल में दोस्तों आपको मिलिट्री हॉस्पिटल जाना होता है, वहाँ से दोबारा आपको चांस दे दिया जाता है, एक बार और चेक करते हैं आपको, अगर उसमें आपको डॉक्टर फिट कर देता तो फिट हो, अगर फिट कर दिया तो भर्ती प्रक्रिया में आपका एग्जाम लगेगा, मेरिट में आपके सिलेक्शन होने की संभावना फिर भी है, अगर आप अनफिट हो जाते हो तो भर्ती प्रक्रिया से आप आउट हो जाते हो। तो दोस्तों ये रहता है मेडिकल का प्रोसेस। तो किसी भाई का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, आपका फौजी भाई आपके लिए वीडियो बनाता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जिन लड़कों को ये लगा था कि सर एग्जाम का हुआ, तो एग्जाम का डेट दोस्तों अभी आगे है, महीने डेढ़ महीने का टाइम मिलेगा आपको, अच्छे से आप गाइड पढ़ लो, राम सिंह यादव की अच्छी गाइड पढ़ लो, ताकि आपको इसमें आता क्या क्या है, 20 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, 15 क्वेश्चन मैथ के, और 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें इंडिया GK के, तो 50 क्वेश्चन का पेपर होता है दोस्तों, उसमें से आपने 35 से 40 क्वेश्चन कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था प्रोसेस, अब अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है,
कि कैसे दौड़ना है, मेडिकल में कैसे पास होना है, किसकी क्या क्या दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ लो, आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।